मैं मदनलाल सैनी, वार्ड नंबर 5, मेरी दुकान धोलबावड़ी के पास है। करीब करीब 9 माह से सीवर का पानी नाली के द्वारा पूरा फैल रहा है, जिसमें बदबू उठ रही है। बार बार प्रशासन के कहने के बावजूद भी, उनसे मिलने के बावजूद भी उनकी कोई कार्रवाई नहीं है। एक बार बंदे को भेजते, थोड़ा सा खोलते हैं, लेके कोलबावड़ी से, और पूरी लाइन जाम हुई पड़ी है। जो भी काम करने वाले आते हैं सीट पर, वो कहते हैं कि लाइन जाम है। यही से बात करते हैं तो कह रहे हैं मैं मशीन के लिए पटौती बैठा हूँ। कम से कम 4 से 5 बार हम उनसे मिल चुके हैं। मैं अशोक कुमार, निवासी फर्रुख नगर, वार्ड नंबर 2 से हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने फर्रुख नगर के अंदर शिविर की समस्या बहुत है और प्रशासन मौन बैठा है। बाजार के अंदर शिविर लाइन जाम रहती है। शिविर साफ करने के लिए बोलते हैं तो शिविर का गंध वहीं डाल जाते हैं, जिसके अंदर एक हफ्ते तक दुकानदार परेशान रहते हैं। वार्ड नंबर 3 में भी, जो कि पार्षद पिंकी शर्मा का है, उस गली में भी शिविर ब्लॉक पड़े हैं। प्रशासन प्रति मौन हो चुका है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि शिविर की समस्या हर जगह दूर हो, हर वार्ड के अंदर क्लियरिटी हो और हमारा फर्रुख नगर स्वच्छ हो। जय। मैं अर्जुन सैनी, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका प्रधान। इस सफर शिविर के बारे में बात है और एक नारा टूटा पड़ा है, ये शिविर आज से नहीं, कम से कम साल भर तो इस नारा ने टूटा हो गया, साल डेढ़ साल, और शिविर ने 8-10 महीने हो गए इसने पता ना जाम हुआ पड़ा है, और ये और फुल हो गए, नाने गली में निकल रहा है, नहीं इसमें नाला में निकल रहा है, और ये बदबू उठ रही है, कोई सुनने वाला नहीं। आसपास के घरों में बदबू आती है, आसपास के पूरा इलाका में यहाँ बदबू हो रही है। जहाँ से जहाँ तक ये पानी जा रहे हैं, यहाँ से तक शिविर का पानी गंदा जा रहा है, वहाँ तक बदबू उठ रही है, कोई सुनने वाला नहीं। ये असली बयान दे चुके, वे सुना ना, नगर पालिका में कह दी भाई सफाई अभियान नहीं है, गलत है, कोई सफाई अभियान चलवा रही है, कोई सुनने वाला नहीं। एम मिशन मिल गया नाला के बारे में और शिविर के बारे में।